अता भाई ये बताइए कि 10 साल तक यानी 2011 से 2022 तक 11 साल हो गए हैं कौम को ये बताते हुए इमरान खान हो या कुछ एंकर हजरात हो कि इस मुल्क में छांगा मांगा और करप्शन की जड़ जो है वो श्री बादरान है, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो भी वीडियो आ रही है उसमें मलक रियाज का नाम आ रहा है। क्या ये सबसे बड़ा माफिया नहीं है और इस शख्स को नहीं एक ऐसा चुके हवाले करना चाहिए और जो करप्शन पे सरकारी मुलाजमीन को या सियासतदानों को खरीदता है कुछ ऐसी उसकी तरफ हो जाए कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो जाए और खुद से क्यों नहीं पंजाब हुकूमत एफ आई आर दर्ज करती। देखिए बात यह है कि सरकार में इमरान खान साहब थे, वजीर आजम पब्लिक ऑफिस होल्डर इमरान खान साहब थे, समाज पब्लिक ऑफिस होल्डर से होगा, जिधर जिस शख्स का आपने नाम लिया उनके मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, वो आपको पता है फैसला आया था इमरान खान साहब के दौर में, काबीना में भी मामला गया था। तो बात किसी और की नहीं है, बात इमरान नियाजी की है जो पांच साल बनता है।